सामना करेंगे धवल ठकरार। पहली गेंद पर अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे। एलके भवनाथ जूनागढ़ ने टॉस जीता और डिसीजन पेंडिंग रखा। मिड विकेट रिजर्व में वहां पर फील्डर तैनात। और स्कोर जा पहुंचा है 4 रन पर। इस बीच अगली गेंद लेकर और बाहरी किनारा, विकेट कीपर चुके फील्डर गेंद के पीछे। फील्डर जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब। धवल ठकरार काफी जल्दबाजी में लग रहे। पल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, एक बार फिर विकेट कीपर चुके। एक ओवर 6 रन बगैर किसी नुकसान पर 56 रन का पीछा करते ओ मिलन माणावदर। हमारे साहिब में माल गायब होने का कारण विक्रम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बहुत मरने का नाटक किया और बहुत बहुत गेंदबाज महेंद्र सिंह सामना करेंगे खुद कप्तान राहुल। ओ उल्टी पल्टी खेलना चाहते थे। इस बार कट किया है फील्डर वहां पर एक ही रन।
इसके बाद के मैच के अंपायर होंगे पारस बालधा और प्रतीक पटेल। इस बीच अगली गेंद और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। बढ़िया स्ट्रोक, नतीजा 4 रन राहुल के बल्ले से। स्कोर डीजे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 50 गेंदों पर सिर्फ 44 रन की जरूरत। राहुल सामना करेंगे महेंद्र सिंह का। राहुल टू महेंद्र सिंह, इस बीच अगली गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ रिजम में खिलाड़ी गेंद के पीछे, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन। अब स्ट्राइक के ऊपर धवल, आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, बढ़िया स्ट्रोक, अल्टी पल्टी, नतीजा 6 रन। धवल के बल्ले से निकलने वाला है पहला छक्का। स्कोर रुका 19 रन पर। अब 47 गेंदे 37 रन। स्ट्राइक के ऊपर राहुल, गेंदबाजी के ऊपर हितेंद्र सिंह, आगे आके उठाना चाहते थे लेकिन बढ़िया गेंद। इसके बाद का मुकाबला एल के भवनाथ जूनागढ़ और उसके सामने राजशक्ति लवन रिबड़ा। एल के भवनाथ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, यानी राजशक्ति 11 रिबड़ा को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। फुल टॉस गेंद, हार्दिक सिसरवैया मौजूद थे। अब आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, सामना करेंगे धवल।
उठाना चाहिए। 3 ओवर 22 रन, अब जीत के लिए 42 गेंदें 34 रन। अगले गेंदबाज बीजे आहिर सामना करेंगे राहुल। कमाल, लाजवाब राहुल, 6 रन। डीजे इस बीच अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद के नीचे फील्डर, लगने वाला है पहला झटका, राहुल की वापसी। अपना खाता खोला 1 रन के साथ। अब स्ट्राइक के ऊपर धवल यानी भूरो। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, सामना करेंगे धवल। इस बार मिड विकेट रिजर्व में, वहां पर फील्डर, खुद कप्तान। 1 रन 30 रन 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर, 36 गेंदें 26 रन।
इसके बाद के मैच के अंपायर हो गए पारस बालधा और प्रतीक पटेल। एल के भवनाथ जूनागढ़ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। राजशक्ति को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। दोनों ही सक्षम टीमें और अपने कोट का आखिरी टीम की ओर से पांच ओवर लेकर हितेंद्र सिंह। इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, धवल की वापसी। अगले बल्लेबाज के रूप में कीर्तिराज सिंह धवल का स्थान लेने आए हैं। हेलो, और कल के मुकाबले के बारे में बता दूं तो पहला मुकाबला बालाजी इलेवन राजकोट और उसके सामने पठान इलेवन जूनागढ़, और दूसरा मुकाबला जेके इलेवन कलारिया और बादशाह इलेवन सापर के बीच। पहला मुकाबला कल का बालाजी इलेवन राजकोट और पठान इलेवन जूनागढ़ के बीच, दूसरा मुकाबला जेके कलारिया और बादशाह इलेवन सापर के बीच। इस बीच अगली गेंद, बढ़िया गेंद वैभव कप सीजन सिक्स आखिरी छह दिन का खेल खचाखच भरा हुआ मैदान। इस बीच अगली गेंद कीर्तिराज सिंह के लिए, बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद और मिस फील्डिंग। नतीजा एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक के ऊपर जाहिद और जीत के लिए 33 गेंदे 25 रन। इस बार कट कर दिया है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फिर भी दो रन से नहीं रोक पाएंगे। हमारे बीच धीरज सिंह जाडेजा, धर्मेश पटेल, सिराज कडिवार और वीके बालधा और मिलन पटेल, और नीचे पूरा सिंबल ग्रुप जिसने इस ग्राउंड पर काफी मेहनत की है। इस बार पूरा
सिंबल 11, साथी 11, ईगल 11 सभी प्लेयर की तारीफ करना चाहूँगा। हमारे साथी कमेंटेटर विपुल भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और जीत के लिए 30 गेंदे 16 रन। जामकरनोना शहर में वर्षों जूनों ने जानी तो मैन्युफैक्चरिंग धराव तो और अब गेंदबाजी के ऊपर विजय आहिर सामना करेंगे कीर्तिराज सिंह, सिर्फ 16 रन दूर, सिर्फ औपचारिकता इस मैच की। आगे आके उठाना चाहते थे लेकिन नहीं, और कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, नतीजा 1 रन। एल के भवनाथ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। राज शक्ति इलेवन जो कि पिछले साल रनर अप रही थी, 29 गेंदे 15 रन। सत्ताईस गेंदे 12 रन। अंपायर का इशारा वाइड। अहमद बापू को गुजारिश है कि मैच खत्म होते ही अपने फील्ड सजाइए जल्द से जल्द। एल के भवनाथ जल्द से जल्द अपने फील्ड सजाइए इस मैच खत्म होते ही। बढ़िया गेंद, छोकराओ कोई ग्राउंड मानो आवता ने राज शक्ति ना बेसमैन उतावर थी, अंपायर पर न्याज रेजो। अंपायर तमे पर न्याज रेजो। रोहित बालधा और इंदुभा दोनों ही निडर और तटस्थ अंपायर। बीच अगली गेंद लेकर विजय आहिर, बढ़िया गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, हल्के हाथों से प्लेसमेंट कर दिया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। विपुल दा कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ। और क्लीन बॉल,
इसके बाद के मैच के अंपायर हो गए पारस बालदा और प्रतीक पटेल। अगले बल्लेबाज राज जाडेजा और अब गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक सिंह। बढ़िया गेंद कमेंट्री बॉक्स ऊपर बीजा कोई आओ नहीं। वाह नीचे रहती हुई गेंद हमारे साथी कमेंटेटर अगली आवाज भी पुल अदा की। हार्दिक की पटकी हुई गेंद पुल किया है नीचे फील्डर और एक और विकेट का पतन। बाद अभी प्री क्वार्टर का ये पहला राउंड आज का। अब नए बल्लेबाज आए हैं मैक्सी जैसा पर छोड़ से हार्दिक सिंह सरवैया। ये गेंद वो चलती हुई गेंद और वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाए गए। वहाँ पर बहुत ही खराब थ्रो लेकिन बैकअप कर रहे थे और वहाँ भी मिसफील्ड हुई। सिर्फ एक ही रन बनाने में संतोष एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। सुड़तालीस रन चार विकेट के नुकसान पर ओम इलेवन जीतने के लिए अब सिर्फ 9 रन चाहिए 20 गेंदें बाकी है। फील्डिंग यहां पर सजाई जा रही है लेकिन इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही शेष रहेगी। अब 9 रन चाहिए 20 गेंदें शेष है। हार्दिक सिंह जसा पर एंड की जाने से और उनका सामना करेंगे राज जाडेजा जो कि अपना खाता खोलना शेष। ये गेंद उसको खेल दिया है खाली स्थान पर दो फील्डर के बीच में एक रन टहलते हुए पूरा किया एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन चार विकेट के नुकसान पर जबकि ये 7वां ओवर प्रगति पर है। 19 गेंदे 8 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद और उसे वहां पर फील्डर मौजूद रन बनाने की संभावना नहीं अच्छी फील्डिंग। इसके साथ ही यहां पर ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 48 रन चार विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 8 रन चाहिए। रिटर्न और 5 साल की वारंटी के साथ सायन पावर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाइए
आज का ये पहला प्री क्वार्टर मैच जो कि ओम इलेवन और रजनी इलेवन रोगिल के दरमियान जसावर के फार्म क्रिकेट कर खेला जा रहा है। 18 गेंद शेष है और 8 रन चाहिए जीतने के लिए ओम इलेवन को। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा राजशक्ति इलेवन रिबड़ा और एल के भवनाथ इलेवन जूनागढ़ के दरमियान कड़ा रोमांचक मुकाबला होने की संभावना। दर्शकों को अपना स्थान लेके बैठना है मैच देखने के लिए। ये गेंद खेलना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 17 गेंद 8 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद और फुल टॉस थी और उसे बॉलर बैक ड्राई खेल दिया है, एक रन बनाने में कामयाब हो गए। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदे 7 रन। ये गेंद और उसे खेल दिया है बड़ी जोरदार तरीके से, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते इत्मीनान से दोनों बैट्समैन ने एक रन मुकम्मल किया। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब 15 गेंदे से 6 रन चाहिए। ये गेंद और बीट हुए, यहां पर रन बनाने की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राज जाडेजा, ये गेंद और हवा में है, आउट होने का खतरा है। फील्डर उनके नीचे आ गए हैं और इसके साथ यहां पर एक और विकेट का पतन। इस तरह यहां पर इस तरह 5वां विकेट का पतन यहां पर ओम इलेवन का। अब नए बल्लेबाज आए हैं मेलन जोशी, अब सिर्फ 6 रन चाहिए 13 गेंद शेष। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर विजय अहिर, ये गेंद और रक्षणात्मक तरीके से खेल दिया। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, यहां पर 8 ओवर की समाप्ति पर 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 6 रन चाहिए। केटला जडी जडी बे जामकला
हार्दिक सिंह सरवैया अपनी गेंदबाजी जैसा पर रन की जाने से जारी रखेंगे। 12 गेंदें शेष रह गई है इस इनिंग की और केवल 6 रन चाहिए ओम इलेवन को जीतने के लिए। ये गेंद बॉलर बैक ड्राइव बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए। अब जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए। ये गेंद फिर मारना चाहते थे वहां पर बीट हुए। 10 गेंद शेष 2 रन अभी भी बाकी जीतने के लिए। मैक्सी खेल रहे 6 रन बनाकर और मिलन ने अभी अपना खाता खोलना शेष। हार्दिक सी अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर ये गेंद हवा में आउट होने का खतरा फील्डर उनके नीचे और इसके साथ ही एक और विकेट का पतन। यहां पर जो ओम इलेवन गलती कर रही है वो आज से ये जो मैदान में खेला इस मैच का आप GTPL के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। क्रिक हीरोज के माध्यम से भी आप लाइव स्कोर और लाइव मैच देख सकते हैं और यूट्यूब में यूटी स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। हार्दिक सिंह इस ओवर की अगली गेंद लेकर यह गेंद और उसे खेल दिया बॉलर बैक ड्राइव बहुत ही बढ़िया शॉट पूरा किया। इसके साथ ही यहाँ पर 55 रन यानी कि लेवल स्कोर हो गया है। अब सिर्फ 1 रन चाहिए। एडी अरविंद सी आ लोगों ने पानी आ जम्मा बैठे ना पानी नु आ ओला भाई क्यों नहीं आपसे आ जो ओला भाई क्यों ये बताओ
ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर, इसके साथ ही यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे शेष और 1 रन, 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल समाप्त। अब सिर्फ एक ही रन चाहिए। ये गेंद और इसके साथ ही यहाँ पर ओम इलेवन की जीत। तो यहाँ पर ये पहला प्री क्वार्टर ओम इलेवन ने जीता है। बहुत ही अच्छी तरह से खेला। જામકરના શહેરમાં વર્ષો જૂનોને જાણીતો મેન્યુફેક્ચરિંગ ધરાવતો ફર્નિચરનો ભવ્ય શોરૂમ એટલે જલારામ ફર્નિચર। અત્યાધુનિક નવી ડિઝાઇન અને ફર્નિચરની વિશાળ રેન્જમાં ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ એટલે જલારામ ફર્નિચર, પોલીસ સ્ટેશન સામે જામ કંડોરણા। बैट्समैन ने बैट्समैन दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजे राज शक्ति। इस बीच प्लेयर ऑफ द मैच